हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राहुल सिंह, आपका टीचर, आपका ट्रेनर, फिर से आप सभी का एक बार आईसीएल क्लासेस में मैं वेलकम करता हूं। और गाइस, आज की इस बिजी की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, BRS। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, इसमें दो चीजें आपकी आती हैं। सबसे पहले आपकी आएगी बिजनेस की कैश बुक और दूसरी हमारे बिजनेस की बैंक बुक, राइट, यानी कि जिसे आप पासबुक में एंट्री करवाते हैं वो। सो यहाँ पर मैं 5 एंट्री के माध्यम से इसको समझाने जा रहा हूँ। और उन 5 एंट्रीज में से हम मान के चलेंगे कि अभी जिस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं ये हमारी कैश बुक स्ट्रक्चर्स है, राइट। और बैंक बुक जो है उसमें हमने कुछ एंट्रीज एक्स्ट्रा देखी हैं, उन एंट्रीज को कैसे करना है। तो बिल्कुल आराम से स्टार्टिंग से इस वीडियो को समझिए। मैं ज्यादा आपको 5,500 एंट्रीज में नहीं समझाने वाला, मैं सिंपल आपको 5 से 6 एंट्री में समझाना चाहता हूँ कि बैंक रिकंसिलेशन स्ट्रक्चर्स को आप कैसे बिजी में करेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, मास्टर में चलता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा कैश का बैलेंस डाल देता हूँ। एक काम करते हैं, कैश में हम रख लेते हैं भाई 2 लाख रुपए का करीब करीब हम कैश रख लेते हैं। इससे हमारे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे पास ये है। और एक मैं एक काम करता हूँ, बैंक बना लेता हूँ जो कि हमारी कंपनी का बैंक है, जिसका नाम है एक्सिस बैंक। अब देखिएगा, बैंक जो बना रहे हैं इसको किस प्रकार से आप करेंगे। प्रिंट नेम एक्सिस बैंक आएगा, बैंक का नाम अंडर बैंक में आएगा, ठीक है। इसका बैलेंस जो है वो मैंने 1 लाख रुपए जो है हमारा चढ़ा दिया, ठीक है। बैंक का एड्रेस स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीजें जो जितनी भी जरूरी है आप उतनी मेंशन कर देंगे यहाँ पर, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू नहीं। चलिए, अब सबसे पहले कंपनी से सैलरी पे करी गई है, ध्यान से समझते हैं, कंपनी से सैलरी पे की गई है चेक के द्वारा, तो वो एंट्री हमारी पेमेंट में होगी। लेकिन एंट्री पास करने से पहले ध्यान रहे कि हमें एक फीचर इनेबल करना है, जिसके लिए आपको कंट्रोल F फीचर या ऑप्शन में जाना है। जैसे ही आप फीचर या ऑप्शन में यहाँ पर जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको 2-3 चीजें दिखाई देंगी। सबसे फोर्थ चीज के नंबर की बॉक्स वाला देखना, अकाउंट्स बॉक्स में आप आएंगे। जैसे ही आप अकाउंट बॉक्स में क्लिक करेंगे, तो अभी लास्ट क्लास की वीडियो में मैंने आपको रॉयल्टी कैलकुलेशन समझाया था, लेकिन अब चलते हैं यहाँ पर। देखेंगे आप, बैंकिंग ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो जैसे ही आप बैंकिंग ऑप्शन में आएंगे, यहाँ आपको दिखाई देगा बैंक रिकंसिलेशन, ठीक है। इसके बाद मेंटेन, बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल, पोस्ट डेटेड चेक इन पेमेंट, एक्चुअली क्या होता है कि इसके बारे में मैं भी आपको 2 मिनट बता देता हूँ, और चेक प्रिंटिंग। चलिए इन चारों के बारे में जरा 2 मिनट डिस्कस करते हैं। बैंक रिकंसिलेशन का एग्जैक्टली मतलब क्या है कि भाई जो हमारे बिजनेस की कैश बुक है और हमारे बैंक की जो पासबुक है यानी कि बैंक बुक है, भाई उन दोनों में कुछ ना कुछ ऐसी अमाउंट की या एंट्री की, या चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन हमारे यहाँ से पैसा नहीं कटा है, चेक खो गया है, पार्टी ने डिपॉजिट कर दिया है, तो कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस हो जाती है एंट्री, जिससे कि हमारी दोनों बुक जो है वो मैच नहीं होती। तो इसके बिहाफ के केस में हमें क्या करना पड़ता है कि जो बैंक ने काम किया हुआ है, जो बैंक ने एंट्रीज पास की हुई है, हमें उन एंट्रीज को पास करना होता है। तो ये हमारा बैंक रिकंसिलेशन का स्टेटमेंट है, सिंपल सा, कि भाई जो एंट्री नहीं हो रही है उसको पास करके हम क्लियर करेंगे। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है, यदि आपने कोई सामान खरीदा है, मान लेते हैं 17-18 तारीख को, और आपने उसकी पेमेंट करनी है क्या कहते हैं 1 अगस्त को, 1 सितंबर को, और आपने जुलाई में उस सामान को खरीद लिया, तो आप क्या करेंगे, पोस्ट डेटेड चेक जो है उसको काट के दे देंगे। तो इससे क्या होगा बेनिफिट की, हम एंट्री तो पास कर देंगे लेकिन जब वो डे आएगा ऑटोमेटिकली इसमें वो एंट्रीज इसमें पास की जा सकती है। मेंटेन बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का मतलब है बैंक जो हमारे पास पासबुक होती है उसमें जो उसके नंबर होते हैं वो हम कैसे मेंटेन करेंगे,
और चेक को प्रिंट करने के ऑप्शंस। तो ये चारों ऑप्शन समझ में आए। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, अगर आप बिगिनर हैं तो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, सेव करते हैं। हालांकि मैं इसको असाइनमेंट्स के थ्रू भी समझा सकता था लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसलिए मैंने इसको नहीं छेड़। चलिए, अब सबसे पहली एंट्री आप ध्यान रखेंगे, हम पेमेंट करने जा रहे हैं, हमने सैलरी पे करी है 1 अप्रैल 2024 को, रेगुलर या पोस्ट डेटेड चेक, मैंने कहा रेगुलर, राइट, नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पर सैलरी का लेजर बनेगा, देखिए ऑलरेडी पहले से मेरा बना हुआ है। सैलरी कितना आपने पे किया, 20,000 रुपए सैलरी पे किया। लेकिन अब देखिएगा ये सिंपल एंट्री नहीं है, अब आगे भी इसमें देखिए क्या करना है, कह रहा इंस्ट्रूमेंट टाइप। तो इंस्ट्रूमेंट टाइप में देखिए यहाँ पहले समझ लीजिए, RTGS मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, चेक यानी कि जो आप चेक इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, PO यानी कि पोस्ट ऑर्डर भी हो सकता है, DD डिमांड ड्राफ्ट, ECS लगा हुआ है, A2A, IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विस या ट्रांसफर या वॉलेट या UPI या अदर। तो अभी हम क्या इशू कर रहे हैं, हम चेक इशू कर रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे, देखिए हमने इंस्ट्रूमेंट नंबर इनेबल किया था तो ये दिया मैंने 111222। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे 2 से 3 एंट्री पास करेंगे उसके जरिए समझेंगे। और जैसे ही आप एक्सिस बैंक यहाँ पे लेंगे, बस आपको क्या करना है, F2 करना है, F2 करना है और F2 करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या होता है कि 2/4 को रेगुलर, यहां पर हमने कमीशन पे करी है, कमीशन ऑन सेल्स। ठीक है, कमीशन कितनी बन गई, 2,300 रुपए कमीशन बन गई, इसको भी हमने चेक से पे किया है 111333, राइट, ये मैंने डाल दिया यहां पे। और एक्सिस बैंक यहां पर हमने इसको पे कर दिया, गॉट इट। फिर हमने एक मशीन परचेस करी है जो कि हमारी 25,000 रुपीज की है, सिंपल मशीन है। ठीक है, और वो मशीन भी मैंने 2 तारीख को कर ली है, रेगुलर में आएंगे सिंपल। तो 3 एंट्री जो है मैंने यहाँ पर लिया F3 करके, मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा मशीन फैन, मेरे लिए क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, एक फिक्स एसेट्स है, अभी हम डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहे हैं। और ये 25,000 रुपए की जो मशीन थी ये किससे पेमेंट करी गई है, चेक से पेमेंट करी गई है, 1444 चेक नंबर दे दिया मैंने और मैंने इस एंट्री को सेव कर दिया, गॉट इट। नाउ अब मेरी कैश बुक में ये जो 3 एंट्री थी ये मैंने कर दी, लेकिन जो मैं पासबुक प्रिंट करके लेकर आया उसमें मेरी 5 एंट्री है। वो 5 एंट्री क्या है, उसमें एक एंट्री है मेरी इंटरेस्ट की, उसमें बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया हुआ है, और एक एंट्री जो है वो हम मान के चलते हैं कि भाई हमारा एक मिनिमम बैलेंस था उस पे उसने चार्ज काट लिया। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, कैसे इसमें चीजें क्या कहते हैं इन्वॉल्व की जाएंगी, तो सबसे पहले तो हम ये चलते हैं कि भैया बैंक रिकंसिलेशन का स्ट्रक्चर कहाँ पर देखने को हमें मिलेगा। तो इसके लिए आपको आना है कहाँ पे, डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि बैंक रिकंसिलेशन दिखाई देगा, बहुत सिंपल तरीके से समझिए। ऑल शो ऑल एंट्री का मतलब है सारी की सारी एंट्री शो होंगी, शो अनक्लियर एंट्री मतलब अभी हमने जिनको क्लियर नहीं किया है, इसके बाद शो क्लियर एंट्री जितनी एंट्री हम क्लियर कर दी है, या रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो चलिए पहले रिकंसिलेशन स्टेटमेंट्स को देखते हैं, 1 से 2 तारीख तक का है। तो देखिएगा हमारा बैंक बैलेंस एस पर भाई ये है और ये सारी चीजें हमारा स्ट्रक्चर्स यहाँ पे शो हो रहा है। हम बाहर निकलते हैं तो हमने बोला कि भाई ऑल एंट्रीज हमें दिखाइए, तो किसकी, एक्सिस बैंक की, 1 से ज्यादा भी बैंक हो सकते हैं, राइट। ठीक है, 1 तारीख से लेकर 2 तारीख तक, और मैं यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई शो बैंक इंस्ट्रूमेंट नंबर, चलिए भाई शो कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, ये है मेरा सिस्टम पूरा का पूरा, मेरी कैश बुक, और मेरे दूसरी तरफ हाथ में जो पर्चा टंग रहा है वो है मेरा पासबुक का, जो मैं प्रिंट करके लेकर आया हूँ बैंक से।
अब मैंने देखा कि भाई ये वाली एंट्री पेमेंट सैलरी की जो चेक से दी थी वो हमारी क्लियर हो गई, और यही एंट्री थी ना, देखना। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो देखो अब इसको हमें कैसे रिकनसाइल करना है, तो बहुत सिंपल है। आप थोड़ा सा साइड में आएंगे और यहाँ पर F4 बटन आप यहाँ प्रेस करेंगे, तो देखिएगा फीड क्लियरिंग डेट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। जैसे ही आप F4 प्रेस करेंगे, ये शॉर्टकट की होती है इसकी, तो हमने बोला कि भाई ये 2/4 को ये हमारा चेक जो है क्लियर फुल वाउचर, आप इसको क्या कर देंगे, यस। ठीक है जी, चलो जी, पहला हो गया, यही एंट्री है बिल्कुल। इसके बाद यहाँ आएंगे भाई, ये भी हमारा बिल्कुल हमारे उसमें लिखा हुआ है, ये 2 तारीख को था तो ये 3 तारीख को क्लियर हो गया फुल, बिल्कुल जी बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके बाद हम तीसरे पे आए, हमने फिर यहाँ पर F4 बटन किया, ये हमारा 5/4 को क्लियर हुआ, मतलब बैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है जी, फुल क्लियर हो गया। अब तीनों एंट्री हमारी क्लियर हो गई। अब लेकिन हमारी जो 2 एंट्री हैं जो बैंक ने कर रखी है, एक तो मेरे ऊपर चार्ज लगाया है उसने, कंसोलिडेशन चार्ज मेरे ऊपर 100 रुपए का, और मुझे इंटरेस्ट भी दिया है उसने 20 रुपए फॉर एग्जाम्पल। तो ये एंट्री सारी की सारी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं, बाहर निकलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर शो क्लियर एंट्री पे चलते हैं, 1 से 2 तारीख तक के बीच की। तो देखो यहाँ पर ये क्लियर हमने कर दी थी, हाँ ठीक है, राइट। इसके बाद वो आपको डेट चेंज करनी पड़ेगी वहां पे, ठीक है। अब हम चलते हैं ट्रांजेक्शन में। एक तो बैंक ने क्या हुआ है कि भाई मुझे पेमेंट की हुई है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिसीप्ट करेंगे। भाई कब बैंक ने हमें पेमेंट करी, हम मान के चलते हैं भाई 5 तारीख को बैंक ने हमें, 5/4 को हमें बैंक से, यहाँ पे रेगुलर ही लेंगे अभी कुछ नहीं लेंगे, और ठीक है। और यहाँ पर बैंक ने जो हमें इंटरेस्ट दिया है, ठीक है, तो हमारे लिए एंट्री क्या होगी, जो F3 करके इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम एक्सिस बैंक, ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, और ये हमारे लिए बिजनेस के लिए होगी इनडायरेक्ट इनकम। तो यहाँ पर आप इनडायरेक्ट इनकम मेंशन कर देंगे, और आप इसे F2 से सिंपल तरीके से, हमें कितना इंटरेस्ट मिला मान लेते हैं 20 रुपए मिला भाई, ठीक है, कोई इंस्ट्रूमेंट चेक वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। मैंने सिंपल नरेशन, और किस में आएगा पैसा हमारे, एक्सिस बैंक में आ गया, गॉट इट। इसके बाद बैंक ने चार्ज भी काटा है हमारा, तो हम पेमेंट वाउचर में चलेंगे। अब यहाँ पर चार्ज कब काटा भाई, हमने बोला 6/4 को उसने चार्ज काटा, राइट। अब यहां पर बात करें तो एंट्री क्या बनेगी भाई, यहां पर हमें F3 करके क्या बनाना पड़ेगा, कंसोलिडेशन चार्जेस, ये बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, और वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मैं इसको सेव कर देता हूं, और 100 रुपये मेरा चार्ज काट लिया, ठीक है। और यहाँ पर हम एक्सिस बैंक से ही पैसा काटा है, तो इसको मैं यहाँ पर सेव कर दूंगा। नाउ अब इसके बाद देखिए हमें जो चीज है, अब जो हमारी 5 एंट्री हमारी कैश बुक में होनी थी वो कैश बुक में हो गई, और जो 5 एंट्री हमारी बैंक वाली बुक में है वो बैंक वाली बुक में भी है, राइट। तो डिस्प्ले में चलेंगे, यहाँ पर शो एंट्रीज करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर भाई, मैं यहाँ पर F4 कर दूंगा, हाँ भाई ये भी मेरा पूरा का पूरा जो है सेम उसमें हो गया, और ये वाली यहाँ पर भी मैं F4 कर दूंगा, और ये भी मेरा सेम स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो आप इससे देखेंगे कि भाई ये वाली जो चीजें हैं सारी की सारी जो है हमारी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, तो ये जो कंसेप्ट है आपका, ठीक है, ये आपकी सारी की सारी चीजें 1 से 4 तक, ठीक है, देखिए एक भी नहीं आ रही है, सारी की सारी जो है हमारी एंट्रीज जो है वो क्लियर हो चुकी है। शो क्लियर्स एंट्रीज में आप चलें तो 1 से लेके 6 तक यहाँ पे बिल्कुल सारी की सारी देखिए क्लियर हो गई है, ठीक है, बैलेंस भी मैच हो गया है। रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को 1 से लेके 6 तक यहाँ पर यदि हम देखें बिल्कुल, तो यही हमारा बैलेंस जो है वो एक्चुअल बैलेंस जो हमारा बैंक में होना चाहिए, जो हमने पेमेंट वगैरह सारी कर दी है। सो गाइज इस तरीके से देखिए आप यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट्स के इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं।
तो गाइस देखिए 20 रुपए का जो डिफरेंस है ये हमारा इसमें इंडिकेट हो रहा है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर कवर हो जाएगा। सो गाइस आई होप आपको प्रॉपर तरीके से चीजें समझ में आई, आराम से अच्छे से इसको करिएगा। अब इसमें चाहे आप 50 एंट्री करिए चाहे 100 एंट्री करिए। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपको बिजी से रिलेटेड कोई भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज मुझे बताएं। चलिए गाइस बाय बाय, टेक